प्रभु येशु जी तेरी आराधना हो 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 तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परंतु एक कार्य है जो प्रभु के लिए असंभव है। वे हमें प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते, और इसकी निशानी यह है कि उन्होंने अपने शरीर का लहू हमारे पाप मुक्ति के लिए बहा दिया है, और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों पर विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। विजय ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लहू की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वचन संख्या 5 के इस वचन को अपने लिए दोहराएं। वह मुझे प्यार करते हैं, वह मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से मुझे पापों से मुक्त किया है, उन्होंने अपने रक्त से मुझे पापों से मुक्त किया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय आप अपने जीवन के कई सारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दर्द प्रभु के सामने लेकर आए होंगे, परंतु प्रभु सिर्फ शरीर द्वारा नहीं बल्कि मन और आत्मा द्वारा भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ताकि वो आप सभी को आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों से चंगाई प्रदान करे। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 11 कहता है, रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। प्रभु यीशु के रक्त के हर एक बूंद में उनके जीवन की संपूर्ण शक्ति है। आइए उसी लहू से अपने आप को घेरते हुए प्रभु के लहू की स्तुति आराधना करें, क्योंकि वह पूर्ण महिमा, सम्मान और सामर्थ्य के अधिकारी हैं, और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से मुक्त किया है। आइए इस गीत को गाते हुए उनके पवित्र लहू की स्तुति आराधना करें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु हो गए रोगी शिफा। तेरा लहू जिंदा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो प्रदान करने वाला यीशु का लहू, दर्द बया जो ना हो, सारे छुपे हुए दर्द को धोने वाला यीशु का लहू, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून, दिल को सुकून देने वाला यीशु का लहू, यीशु का खून मांग ले, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है
शिफा तेरे लहू के वसीले, सिर्फ तेरे लहू के वसीले प्रभु हम सभी के सारे पाप क्षमा हो गए प्रभु। अपने पूर्ण दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। मेरे जीवन में तेरा सलीब विजय हुआ है प्रभु। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्रिस में प्यारे विश्वासियों, जिस समय इस संसार में प्रभु यीशु का लहू बह रहा था, प्रेमी पिता ईश्वर का हृदय उस स्वर्ग में तड़प रहा था और प्रभु का हृदय हमें खोने से इसी प्रकार तड़पता है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 13 कहता है, आप लोग पहले दूर थे किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। हालेलुया। इसमें प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु के लहू में उनके जीवन का बलिदान, प्रेमी पिता ईश्वर का प्रेम, मां मरियम की ममता और स्वर्ग की संपूर्ण महिमा है। आइए हम हमारे जीवन के कष्टों को प्रभु यीशु के पांचों घावों में समर्पित करते हुए अपने मन, हृदय और आत्मा के साथ प्रभु के जीवित लहू की स्तुति आराधना करें। Yes, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान। धन्यवाद पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को मुझे देने के लिए प्रभु। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया तेरे लहू के वसीले। धन्यवाद यीशु, हो गए पाप क्षमा मेरे सारे पापों को धोने के लिए प्रभु। सलीब से यीशु मुझे अपने पापों पर विजय दिलाने के लिए प्रभु। वचन कहता है, जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे पापों के द्वारा आप छेदित किए गए हैं। आज हम सभी आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आमीन। आपके घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए yes, हैं प्रभु। Lord, आमीन। प्यारे विश्वासियों, जब आप इस समय जीवित प्रभु के शरीर के सामने उपस्थित हैं, yes. तो सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अनुग्रह का द्वार बन गए। प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम हमारे जीवन के सभी कठिनाइयों को, बीमारियों को, परेशानियों को yes. प्रभु की स्तुति आराधना में बदलें और उनकी स्तुति ऊंचे स्वर में करते हुए बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, क्योंकि हमारे पापों और घावों को धोने वाला है यीशु का लहू, क्योंकि सारे बंधनों को तोड़ने वाला है यीशु का लहू, हमारे लिए लड़ने वाला है यीशु का लहू, पिता के सामने हमारे लिए दया की मांग करने वाला है यीशु का लहू। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय आप अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ प्रभु के लहू में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का लहू आपके जीवन के सारी कठिनाइयों, बीमारियों से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रभु यीशु के लहू का अनुग्रह आप पर उतरेगा और आपको मुक्त कर देगा। ऊंचे स्वर में उनकी स्तुति, उनकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, अपने लहू
लहू से मुझे धोने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 यीशु, थैंक यू जीसस। मेरी आत्मा को बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए धन्यवाद यीशु। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। ये लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से मुझे शैतान की सारी शक्तियों पर विजय दिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 तक। आइए हम वचन पढ़ें। जब फरिसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर के राज कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि ईश्वर का राज्य का आगमन हुआ है। जब ईसा ने अपना प्रवचन या अपना मिशन शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले यही कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये स्वर्ग का राज है क्या? क्या ये सिर्फ स्वर्ग में जाने के बाद ही मिलेगा, या यह हमें इस धरती पर भी मिलेगा? इसका उत्तर हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होगा। अगर हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग का राज सिर्फ हमें स्वर्ग में ही मिलेगा, और अगर आप सोचते हैं कि हमें स्वर्ग का राज इस धरती पर ही मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात। इस तर्क में मैं नहीं पढ़ूंगी कि स्वर्ग का राज ऊपर है या नीचे है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ईश्वर का राज्य है क्या? ईश्वर प्रेम है, तो ईश्वर का राज्य क्या है? प्रेम से भरा एक राज्य होगा। वहाँ पर नेगेटिविटीज नहीं रहेंगी, बुराइयाँ नहीं रहेगी। वहाँ पर जो भी होगा वो ईश्वर की उपस्थिति से होगा, प्रकाश में ही होगा, प्रेम से भरा हुआ होगा। वहाँ पर दुख संकट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या ईश्वर का राज हमारे परिवार में आ सकता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ सकता है? ज़रूर आ सकता है। हमें यह नहीं पता कि आगे हमारे मृत्यु के बाद हमें क्या मिलेगा। हम विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, और जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है, हम ईश्वर पिता को देखेंगे, हम वहाँ पर स्वर्गदूतों संतों को देखेंगे, हम यीशु को देखेंगे, सबको देखेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा होगा। ये हमारे मृत्यु के बाद की घटना है, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं ईश्वर का राज्य का आगमन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ चुके हैं, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें इस ईश्वर के राज्य की स्थापना करनी है। अगर हमारे मन में गुस्सा हो, हमारे मन में नेगेटिविटीज हो, अगर हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, क्या परिवार में शांति होगी? क्या परिवार में प्रेम होगा? अगर हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, नशे के आदत में हैं, गलत रिश्तों में हैं, तो क्या हमारे परिवार में ईश्वर का राज्य है? नहीं, ईश्वर का राज्य ईश्वर की उपस्थिति से, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है।
हम ये ना कल्पना करें कि मृत्यु के बाद ही हमें वह मिलेगा। हम ऐसा सोचे कि एक दिन, हर एक दिन हमें ईश्वर के राज्य में जीना है, उसके लिए जीना है। अगर हमारे अंदर ये एक कॉन्शियसनेस हो कि हमें ईश्वर के राज्य में और ईश्वर के राज्य के लिए जीना है, तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, हमारे शब्द कभी कठोर नहीं होंगे, हमारे दिल में दूसरों के लिए गुस्सा नहीं रहेगा। आइए हम कोशिश करें कि ईश्वर का राज्य हमारे अंदर हो, हमारे परिवार में हो, हम जहाँ रहते हैं उस समाज में हो। लोग आपको देखकर कह सकते हैं, अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये कोई लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, नशा नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर के राज्य में दुख संकट यहाँ पर नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि यहाँ पर हमें दुख और संकट है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गल नहीं जाता, वो फल उत्पन्न नहीं करता। तो हमारे जीवन में भी दुख संकट है, लेकिन उसमें भी हमें खुश रहना है। कुछ पिछले हफ्ते मैं किसी से बात कर रही थी, वह एक महिला थी, वृद्ध थी। उन्होंने मुझसे अपनी शादी के टाइम से लेकर उस क्षण तक के सभी दुख, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, वो बोलकर वो बहुत रो रही थी। मेरे मन में एक ही विचार आया, आपने अब तक जो सहा है, जो गेहूं का दाना गला है, सड़ा है मिट्टी के अंदर, उसने 100 गुना फल उत्पन्न किया है। मैंने उनसे यही पूछा, क्या आपके बच्चे आज एक बहुत अच्छे स्टेटस में है? उन्होंने कहा हाँ। क्या उनका परिवार खुश है? हाँ। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा ये वो सब प्रॉब्लम्स है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे यही कहा, जो बीज, जो गेहूं का दाना सड़ गया है, वो आप हो। आपके कारण कई हजारों लोग, आपके पास आसपास में रहने वाले कई लोग आपके द्वारा आशीष पाए हैं, और वही ईश्वर का राज्य है। आइए हमारे जीवन के दुख संकट को भी प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, ये गेहूं का दाना गलने के लिए, सड़ने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु 100 गुना फल सबको देना। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 9 में वचन बताता है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। प्रभु कहता है, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। इसाया का ग्रंथ अध्याय 38 में हम देखते हैं राजा हिजकिया प्रभु से प्रार्थना करता है। राजा हिजकिया की प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार करता है, उसके आंसुओं को पोंछता है, उसके रोगों से उसे चंगाई प्रदान करता है और उसकी आयु 15 वर्ष के लिए बढ़ा देता है। प्रभु कहता है, मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं। प्रभु कहता है, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। हमारा प्रभु बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। उसका हाथ हमें हर प्रकार के दुख, रोग, विपत्तियों से बचाने में सामर्थ्य है। आइए आज उस प्रभु से हम मांगे, हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को अर्पित करते हुए कहें, हे प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हुए मांगते हैं सुशीला को, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है,
उसे संपूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। सुशीला के समान कैंसर के रोग से पीड़ित उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन यीशु जो इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं कि तू उनके जीवन में राजा हिजकिया के समान उन्हें चंगाई प्रदान करेगा। हाँ प्रभु उन्हें चंगाई दे। पिंटू को समर्पित करते हैं प्रभु, उसके परिवार में तू आ हे शांति के राजकुमार और अपनी शांति से उन्हें भर दे। गुणाधार ताती को समर्पित करते हुए मांगते हैं प्रभु, उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए और उसके परिवार को अपनी शांति से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अनीस तिग्गा को समर्पित करते हुए, अतीश तिग्गा को समर्पित करते हुए, पढ़ाई में हमारे इन भाइयों को पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर। yes, Lord. और इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहन, वह छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में कमजोर हैं प्यारे यीशु, जिन्हें क्लास में और अन्य जगहों में प्रभु मंद बुद्धि कहकर पुकारते हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर। yes, Lord. जिस प्रकार राजा सुलेमान को तूने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दिया, उसी प्रकार हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक पढ़ाई करने वाले विश्वासी अविश्वासी भाई बहन को पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा का विवेक प्रदान कर। हम नेओल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, जो सांस से संबंधित रोग से पीड़ित है, सर दर्द से पीड़ित है, प्रभु से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे यीशु, इस समय इस आराधना में बैठकर तेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी, जिसका सिर दर्द कर रहा है, जिसका पेट दर्द कर रहा है, जिसके घुटनों में दर्द है, जिसके पीठ में दर्द है प्यारे यीशु, जिसके गले में दर्द है प्यारे यीशु, और अन्य शारीरिक दर्द से कराहने वाले दुर्घटनाग्रस्त होकर यातनाएं झेलने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के, और हे अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया 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 होशियार कर बर तेरे मेरे दिया रब बर तेरे मेरे दिया रब हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. Oh, siya ra bara bara dere mere diya ra bara dere mere diya ra kabhi. Dhime dhime aawaz aayi, apne gunahon ko maan. Jaan liya maine aawaz uski, jiska kiya. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे माँ, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरे माँ। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। yes, Lord. प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे, जब हम प्रभु को संपूर्ण हृदय से पूरे मन से आत्मा और सच्चाई से पुकारेंगे तो प्रभु हमें उत्तर देंगे। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में ही कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। प्रभु हम हृदय के गहराइयों से विश्वास के साथ तुझे पुकारते हुए हम मांगते हैं, रोहित लकड़ा को समर्पित करते हुए, मनोज मिंज को समर्पित करते हुए, उन्हें नौकरी की आशीष दीजिए। यीशु इस समय हमारे साथ जुड़कर हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहन जो बेरोजगार है और एक अच्छी नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। उन सब अविश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी नौकरी जाने की चिंता में हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं ज्योति तिर्की के परिवार को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले। yes, Lord.
सभी प्रकार के बंधनों से उस परिवार को छुटकारा प्रदान कर, परिवार के सभी सदस्यों को सभी शारीरिक रोगों से बीमारियों से पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं ज्योति तिर्की के परिवार को समर्पित करते हुए, उसके बिजनेस में प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए और कर्ज के बोझ से छुटकारा प्रदान कीजिए। ज्योति तिर्की के समान उन सभी अविश्वासी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं प्यारे यीशु, और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई रास्ता नहीं है प्रभु, सारी रास्ताएं बंद हो गए हैं ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन प्रभु तू एक नया दरवाजा खोलकर इस समय इस वेदी के ऊपर राह देख रहा है कि हम तेरे पास आए उस सहायता के लिए। हाँ प्रभु, हम इस समय तेरे पास आए हैं तेरे पवित्र चरणों में हमारी आशाओं को लेकर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु धीरज और आरव को समर्पित करते हुए, उन्हें सभी शारीरिक रोगों से संपूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे करुणामय दया सागर यीशु, इस समय धीरज और आरव के समान उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोग ग्रस्त होकर तेरी ओर देख रहे हैं। हे प्यारे यीशु, अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे उन सभी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर जो इस समय बुखार से, कोल्ड और कफ से, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है, रोगी है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों को जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से तेरे वचन प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करते हैं, उन भाई बहनों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में, उन्हें सौ गुना आशीषित कीजिए। प्रभु इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, siara karabara dere mere, siara bara dere mere, siara bara dere. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, siara.